किन्नम मोनेरा के बारे में बताते हैं अब इसके अंदर बैक्टीरिया सोल माने इकलौते मेंबर इसके अंदर बैक्टीरिया ही आते हैं बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीज आर द तो मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट मतलब जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाए सब कहाँ जहाँ तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ना कि जीवन पॉसिबल है वहाँ पर तुम्हें बैक्टीरिया मिल जाएगा समझे मैंने क्या बोला जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म रह सकता है वहाँ पे तुम्हें ये बैक्टीरिया भाई सब मिल जाएंगे बैक्टीरिया हमारे पेट में भी होते हैं गुड बैक्टीरिया होते हैं ना प्रोबायोटिक्स का कंजप्शन करते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी रहे और गुड बैक्टीरिया हमारे पेट गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है इसलिए दही खानी चाहिए खूब सारी फिर उसके क्या हैं बैक्टीरिया सब जगह मिलते हैं हंड्रेड ऑफ बैक्टीरिया छोट थोड़ा सा एक मुट्टी सॉइल ले लोगे मिट्टी ले लोगे उसमें इतना सारा बैक्टीरिया तुमको मिल जाएगा ये मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन कुछ बहुत सारे या तो किसी के अंदर रहते किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या उसके ऊपर रहते हैं एज अ पैरासाइट्स कैसे रहते हैं एज अ पैरासाइट्स रहते हैं समझ गए बैक्टीरिया को बेस्ड ऑन देयर शेप डिफरेंट कैटेगरी में बांट रखा है ये गोल मटोल से तुम्हारे कौसाई कहलाते हैं फिर ये रॉड शे शेप बैसलस कहलाते हैं स्पायरल शेप स्पायरोला कहलाते हैं और कॉमाशियन दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हाँ इसमें बोला है माना कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पर ध्यान से देखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं ठीक है बैक्टीरिया एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं मतलब इनकी बॉडी के अंदर जो बॉडी के ड्यू टू जो डाइवर्सिटी दिखती है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा विविड है अभी हम पढ़ के पढ़ेंगे भी आगे कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं ठीक है और फिर उसके बाद कुछ फोटोसेंथिसिस कर सकते हैं कुछ कीमोसेन्थिस कर सकते हैं कुछ हेट्रोट्रॉफ होते हैं हेट्रोट्रॉफ माने जो अपना खाना खुद नहीं बनाते चलो बेक ही करके पढ़ते हैं एक आता है आर की बैक्टीरिया एक पढ़ना है हमने यू बैक्टीरिया फिर उसके बाद ख़त्म हमारा बैक्टीरिया किंगडम उसके बारे में और ज़्यादा नहीं है फिर स्टार्ट करेंगे हम प्रोटेस्टा आर के बैक्टीरिया के बारे में सुन लो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये बहुत हार्श कंडी हैबिटेट में रह सकते हैं जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया बहुत ज़्यादा नमकीन एरिया है वहाँ पे ह्यूमन सर्वाइवल नहीं हो सकता वहाँ पे तुमको बैक्टीरिया मिल जाएगा ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हेलो फाइल्स बोलते हैं क्या बोलते हैंलो फाइल्स ठीक है ये देखो हॉट स्प्रिंग में रह सकते हैं थर्मो एसिडो फाइल्स थर्मो थर्मो मतलब तुम्हारा बहुत गर्म है एसिडो एसिडिक नेचर है फाइल्स यहाँ पर भी रह सकते हैं ठीक है आर बैक्टीरिया कैसे बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है ये क्वेश्चन आता है आर की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट कैसे हैं क्योंकि इनके पास एक पर्टिकुलर डिफरेंट प्रकार की सेल वॉल है क्या है एक ऐसी सेल वॉल है जो इन्हें एनेबल करती है किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए समझ गए तो आर की बैक्टीरिया में तुमने क्या पढ़ा पहला पॉइंट पढ़ा ये हर जगह पॉसिबल हर पॉसिबल रीजन में रह सकते हैं हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स दूसरी चीज़ क्या पढ़ी ये ऐसा क्यों कर सकती है बिकॉज इनके पास एक वेल बल्ब सेल वॉल होती है डिफ्रेंशिएटेड सेल वॉल होती है और तीसरा पॉइंट जो तुमने पढ़ना है मेथिनोज जो प्रेजेंट होते हैं गट ऑफ सेवरल गट माने एबडोमिनल रीजन बहुत सारी गायब है ऐसे काव हो गया बफेल्ल हो गया इन सब के गट में प्रेजेंट होते हैं और बायोगैस की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ठीक है ये वाला जो एरिया है बुक का इसमें तीन पॉइंट छोटे छोटे करके लिख लो इससे क्या होता है जब हम किसी चीज़ को सुनते रहते हैं ना तो हमारा ध्यान बहुत भटक जाता है ठीक है भटकता रहता है सबके साथ ऐसा होता है ठीक है तुम कोई पांच बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं हम ठीक है यू बैक्टीरिया के बारे में यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है ट्रू बैक्टीरिया कहा

कहते हैं क्या कहते हैं सीलिया कहते हैं सीलिया और फ्लाजला में फर्क समझ गए सीलिया छोटे छोटे से होते हैं फ्लाजला तुम्हारे रिलेटिवली बड़े होते हैं चलो आगे देखते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है अगर ये मो, मोटाइल माने अगर ये मूव करें फ्लाजिलम प्रेजेंट होता है फिर आता है साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया को ग्रीन आलिए भी कहा जाता है इनके पास क्लोरोफिल ए होता है अच्छा देखो क्लोरोफिल के ना डिफरेंट डिफरेंट प्रकार होते हैं क्लोरोफिल ए हो गया बी हो गया सी हो गया डिपेंडिंग ऑन उसकी कॉम्पोजिशन क्लोरोफिल भी तो मान एट द एंड एक केमिकल ही है ना तो डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉम्पोजिशन क्लोरोफिल डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का होता है और यहाँ पर इस यू बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होगा ये क्लोरोफिल ए बिल्कुल वैसा ही क्लोरोफिल है जो हमारे आस पास पेड़ पौधे होते हैं ना हरे रंग के उनमें जो मिलता है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है एक ही सेल है इनकी बॉडी में तो कि कॉलोनीज में रहते हैं फिलाेंट्स होती है इनके पास फ्रेश फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन वाटर में भी रहते हैं फ्रेश वाटर मराइन वाटर में फ़र्क पता है तुमको नहीं पता तो सुन लो फिर फ्रेश वाटर क्या होता है जो नदियों का पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है और जो मतलब सॉल्टी वाटर आता है वो मराइन में आ जाता है ठीक है इनके आसपास एक जली की कवरिंग होती है एक जिलाटनस शीट होती है ठीक है इनकी बॉडी के आसपास एक जिलाटनस शीट होती है फिर उसके बाद आते हैं दे ऑफन ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर गंदे पानी में ब्लूम कर जाते हैं अरे तुमने देखा

अब पर मुझे अब ना लगता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस पहले ये पता है मैं सो के उठती थी ना तो मैं देखती थी अपना मतलब मेल चेक करती थी देखती थी कि कोई काम की बात किसी ग्रुप में तो नहीं चल रही व्हाट्सएप चेक करती थी कभी कभी इंस्टाग्राम चेक कर लेती थी पर अब ना मैं उठती एकदम अपना चैनल चेक करती हूँ कि किसी बच्चे ने मुझे लिख के बताया हो कि यार उसको समझ आया इतना खुशी होता है ना तो तुम लोग को कुछ भी हेल्प हुआ इस वीडियो के थ्रू तो डू लेट मी नो हाँ चलो फिर उसके बाद आता है नॉस्टॉक एनामिना अच्छा इनके एग्जांपल सम ऑफ देम हैव स्पेशइज अच्छा इनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस अब हेट्रोसिस में ऐसे लिख देना कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है किस में हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में चलो एक फन फैक्ट बताऊँ दुनिया में नाइट्रोजन फिक्स कौन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया इतने लायक नहीं होते जितना मुझे समझते हैं बैक्टीरिया एक्चुअली बहुत काम के होते हैं और तुम्हें एक और बात बताऊँ बैक्टीरिया को माना जाता है वो हमारे पूर्वज हैं यह हाँ सही बात है जब मैंने सुना था मैं भी सोच रही थी क्या क्या ऐसे ही होता है बैक्टीरिया को ना एक थ्योरी है जैसे एंडोसिम्बायोटिकायोटिक थ्योरी एंडो थ्योरी कहा जाता है तुम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे उसके अकॉर्डिंग एक बड़े बैक्टीरिया ने छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया को खा लिया ठीक है एक बैक्टीरिया क्या कर सकता था ए बना सकता था एक बैक्टीरिया क्या करता था ठीक है लाइजोजोम जैसा काम करता था लाइजोजोम जैसा काम करता था एक बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल था तो क्या हुआ अब ये जो बड़े बैक्टीरिया ने छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया को खाया ना ये छोटे बैक्टीरिया मरे नहीं ये इसके पेट में एज इट इज़ रह गए और फर्दर जाके यही यूकरोट बन गए दे। तुम देखते हो ना यूकरोट में कितने ज़्यादा ऑर्गेनल्स होते हैं वेल डिफाइंड तो ये थ्योरी बताती है कि हम लोग जो हमारे जो पूर्वज थे मोस्ट प्रोडक्टिव सेल्स थे बैक्टीरियाज थे उससे हम लोग आए इवॉल्व होके के क्वाइट इंटरेस्टिंग नहीं लगा लगा तो मुझे बताना <laughs> चलो आ, हम बात करते हैं कि आ, बता दिया नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है और फिर उसके बाद आता है आ, हेट्रोसिस इसके एग्जाम्पल है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं नॉस्टॉक और आनाबीना आना बीना बोल के देखो बड़ा मजा आता है आना बीना कीमोसिथा सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक का मतलब समझते हो कीमो सिंथेटिक होता है जो केमिकल्स का यूज़ करके किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हैं किसका कीमो सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं एक फोटो सिंथेसिस होता है ना फोटो सिंथिस माने लाइट को यूज कर रहे हैं तो कीमोसिंथसिस किसको यूज करेंगे कीमो सिंथेटिक ये केमिकल्स को यूज़ करेंगे ठीक है दे प्ले अ रोल इन ए टी पी अच्छा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनऑर्गेनिक क्या होता है अब देखो हमारे केमिस्ट, हमारे जो केमिस्ट्री में कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं कार्बन वाला ऑर्गेनिक कहलाता है उसके अलावा जितना भी बच जाता है वो इनऑर्गेनिक में आता है ठीक है समझ आया चलो आ, मौका मिला तो केमिस्ट्री का भी लेसन बनाऊँगे मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं हमेशा से बायोलॉजी और केमिस्ट्री इतने प्यारे प्यारे से सब्जेक्ट है नहीं खैर कीमोसिंथेटिक सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक कीमो समझ रहे हो केमिकल्स का यूज़ करेंगे ऑटोटॉपिक अपना खाना खुद बनाते हैं तो बेसिकली ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं इनऑर्गेनिक माने कार्बन के अलावा बाकी सब्सटेंस अब जैसे नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स अमोनिया इन एंड इन सबको यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रीशन रिसाइकिल में ठीक है हमारे आसपास जो न्यूट्रीशन है जैसे न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन हो गया फास्फोरस हो गया आयरन हो गया सल्फर हो गया इसको बार बार रिसाइकिल करते रहते हैं ताकि बाकी ऑर्गेनिज़म यूज़ कर सकें चल अब हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पड़ते हैं हेट्रोमाने जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते सबसे ज़्यादा एबंडेंट होते हैं अब तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं ये डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं डिकम्पोजर्स मतलब हमारे आसपास का जो डेड एंड डी के मटीरियल है उसको तोड़ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंसानों के लिए ये कट बनाने में हेल्प करते हैं दही बनाने के काम करते हैं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को कहाँ फिक्स करते हैं दाल लेग्यूमिनस मतलब दालें हमारी जो पल्स होती है ना उनकी रूट्स में रहते हैं ये पल्स के रूट में रहते हैं ये डैमेज करते हैं ह्यूमन क्रॉप्स को एनिमल्स को और पेट्स को ये बीमारियां भी फैला सकते हैं जैसे कोलेरा टाइफाइड टेटनस सिट्रस कैंकर सिट्रस कैंकर पौधों में होता है सिट्रस कैंकर कहाँ होता है प्लांट्स में होता है बाकी तो एनिमल्स में हो जाता है और ये डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज होते हैं अब आता है बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन यहाँ पर स्टार मार्क करो और लिखो रिप्रोडक्शन अभी तक तुमने उनके नेचर के बारे में पढ़ा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं फिजन से बाइनरी फिजन पढ़े थे ना अमीबा में करता है अमीबा बाइनरी फिजन करता है टेंथ क्लास में रिप्रोडक्शन में पढ़ा था याद करो ऐसे यहाँ पे ये लोग फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं पहला और जब कंडीशन फेवर में ना हो मान लो कि बहुत ज़्यादा सीवियर ठंड है बहुत ज़्यादा सीवियर गर्मी है तो उस केस में ये स्पोर्ट्स फॉर्मेशन करते हैं क्या करते हैं स्पोर्ट्स बना देते हैं तुमको याद है टेंथ क्लास में एक राइज का डायग्राम था नीचे छोटा सा बना हुआ वो भी आ, वो तो खैर फंगस के केस में था पर उसमें भी स्पोर फॉर्मेशन दिखा था सिमिलरली तो एक केस क्या हो गया एक ये फिजन करते हैं यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ लिख लेना एक ये फिजन करते हैं दूसरा स्पोर फॉर्मेशन करते हैं तीसरा ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं डी ट्रांसफर करके तीसरा क्या हो गया यहीं पर लिख देती हूँ मैं भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा होता है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं चलो इसी के साथ हमारा बैक्टीरिया का मेन हिस्सा खत्म होता है और प्रोटेस्टा की शुरुआत होने वाली है एक माइक्रोप्लाजम और से लो माइको प्लाज्म ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बिल्कुल सेल वॉल नहीं होती स्मॉलेस्ट सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं जो अभी तक विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर पा रहे हैं ठीक है पैथोजेंस की तरह काम करते हैं डिजीज़ कॉजिंग होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स में